हेलो दोस्तों, के कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारा चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आज का हमारा टॉपिक है टेबल्स को एडिट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन उपलब्ध रहते हैं, डिज़ाइन और लेआउट। आज हम इन दोनों ऑप्शन के बारे में डिटेल में समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था हम टेबल कैसे बना सकते हैं, तो अब टेबल बनाना तो हमको आ गया है। हम टेबल के अंदर कितने तरह की एडिटिंग कर सकते हैं, कितनी तरह की चीज़ें कर सकते हैं, वो हम आज डिटेल में सीखेंगे। तो पहला हमारा ऑप्शन है डिज़ाइन। जैसे ही मैं अपने टेबल में क्लिक करूँगा तो हमारे सामने डिज़ाइन और लेआउट ये दोनों ऑप्शन प्रकट हो जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो दोनों ऑप्शन हैं ये सिर्फ टेबल के लिए ही काम में लिए जाएंगे, और जैसे ही हम टेबल के बाहर कहीं क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन अपने आप ही गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें टेबल के अंदर एडिट करना है तो हम टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने डिज़ाइन और लेआउट ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो बारी बारी से हम समझ लेते हैं डिज़ाइन का क्या काम है। डिज़ाइन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का मेनू बार खुल जाएगा। यहाँ बीचों बीच दे रखा है टेबल की स्टाइल। टेबल की स्टाइल मतलब रंग और लाइन का की टाइप से है, मतलब किस तरह का कलर उसमें रखना चाहते हैं उसके लिए हम टेबल की स्टाइल ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ कोने में एक छोटा सा तीर दे रखा है। जैसे ही मैं इस पे मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने टेबल की डिज़ाइन से रिलेटेड सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है प्लेन टेबल, ये तो हमारी टेबल है ही सही, है ना। जैसे ही हम कोई भी टेबल बनाएंगे तो वो एक प्लेन टेबल होगी। अगर हमें कलरफुल टेबल चाहिए तो हम इन सारे ऑप्शंस में से हमें जो ऑप्शन पसंद आ रहा है वो ऑप्शन यूज़ करके हमारी टेबल को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे अभी ये नीले कलर की लाइनें अच्छी लग रही हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, हमारी टेबल नीले कलर की लाइनों के अंदर बदल गई। ठीक है, अगर मैं कोई और ऑप्शन लेना चाहूँ जैसे कि इस तरह का ये ग्रीन कलर की टेबल, ठीक है, तो हमारी टेबल काल्पनिक लाइनों से बन जाएगी। मतलब ये जो लाइनें हैं ये केवल हमारे रेफरेंस के लिए दिखाई दे रही हैं, ये जब हम प्रिंट निकालेंगे तो केवल हमको इसके अंदर का डेटा दिखाई देगा, वो भी सिस्टमेटिक जमा हुआ, पर ये लाइनें हमको प्रिंट आउट में नजर नहीं आएंगी। ठीक है, इस तरह से हम इन सारे ऑप्शंस को काम में ले सकते हैं। यहाँ पे मॉडिफाई स्टाइल टेबल दे रखा है, यहाँ पे हम अपनी ही कोई स्टाइल बना के उसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वापस से इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कोई स्टाइल लगा ली, अब हमको ये पसंद नहीं आ रही, हमको तो सिंपल प्लेन टेबल ही पसंद थी, तो हम यहाँ पहले ऑप्शन पे वापस जाएंगे और ये प्लेन टेबल पे क्लिक कर देंगे तो हमारी टेबल फिर से पहले जैसी हो जाएगी, यानी कि प्लेन टेबल। अब बात करते हैं कि हमको कोई शेड लगाना है। मतलब अभी तो हम पूरी की पूरी टेबल को ही कलरफुल कर रहे थे, अब हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेल या कोई लाइन, रो या फिर कोई कॉलम कलरफुल बन जाए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। जिस सेल को हमको कलरफुल बनाना है उस पर हम क्लिक करेंगे, शेडिंग पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपना मनपसंद कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे अभी येलो कलर करना है तो मैंने इस पे येलो पे क्लिक कर लिया। ठीक है, इस तरह से हम कोई किसी खास सेल को कोई कलर देना चाहते हैं तो हम यहाँ से शेडिंग वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो शेडिंग के बाद अगला ऑप्शन है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या करते हैं, कभी हमें ऐसा होता है कि किसी सेल में से हमको बॉर्डर हटाने हैं या किसी विशेष तरह का बॉर्डर लगाना है, तो हम इस बॉर्डर ऑप्शन को काम में ले सकते हैं। जैसे अगर इस सेल में अभी मैं नो बॉर्डर कर दूंगा तो ये जिसमें 11 लिखा था ये सेल जो है बिना बॉर्डर के हो गई, यानी कि जब हम प्रिंट देंगे तो इसमें डेटा तो नजर आएगा पर उसकी लाइनें नजर नहीं आएंगी। तो इस तरह से हम बॉर्डर ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक पेन हमको मिलता था जिससे हम लाइनों को ड्रॉ कर सकते थे और ड्रॉ करने के साथ साथ पूरी की पूरी टेबल हम उससे बना सकते थे, तो वही पेन टूल हमको यहाँ पे इस ऑप्शन में भी मिल जाता है। यहाँ पे हम उसके लाइनों की मोटाई और उसका टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह की हमको लाइनें खींचनी है वो लाइन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगले ऑप्शन में हम उसकी मोटाई सिलेक्ट कर सकते हैं और हमारे पास एक पेन आ जाता है जिससे हम ड्रॉ कर करके किसी भी सेल या पूरी की पूरी टेबल को बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको सिंपल रहने देता हूँ और वापस से ड्रॉ कर देता हूँ जो लाइनें हमने बॉर्डर
वाले ऑप्शन से उड़ा दी थी, उनको मैंने वापस से लगा दिया। ठीक है, वैसा ही ये पूरा का पूरा ऑप्शन हमको मिल जाता है ड्रॉ टेबल का। और अगला ऑप्शन मिलता है हमको इरेजर। इरेजर का मतलब हम किसी भी लाइन को मिटाना चाहें तो इसकी मदद से हम मिटा सकते हैं। ठीक है, पर इरेजर इसके साथ साथ डेटा को भी मिटा रहा है। अगर यहाँ पे हमको लाइन नहीं चाहिए, जहाँ पे डेटा नहीं है वहाँ पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर जहाँ पे डेटा है तो डेटा भी साथ में इरेज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मिटाया और बीच की लाइन मिट गई। अगर हम किसी डेटा वाली सेल को मिटाते तो वो डेटा भी डिलीट हो जाता। ठीक है, इस तरह से हम ये सारे ऑप्शन काम में ले सकते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है टेबल स्टाइल ऑप्शंस। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ अच्छी डिजाइनदार टेबल ले लेते हैं। जैसे कि मैं ये नीले कलर की ऐसी टेबल ले लेता हूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन है हेडर रो। अभी क्या हुआ है, मैंने बैंडेड रो वाली टेबल ले ली है, जिसके अंदर फर्स्ट जो रो है वो डार्क कलर की है, फिर वाइट, यानी जैसे हमारी जेब्रा क्रॉसिंग होती है उस तरह की टेबल हमने ले ली है, और ये बैंडेड रो वाली टेबल कहलाती है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में सबसे लास्ट में दिख रहा होगा बैंडेड रो। अगर मैं इस ऑप्शन को हटा दूंगा तो हमारी टेबल प्लेन टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम वापस से बैंडेड रो क्लिक कर देंगे तो हमारे डार्क लाइट इस फॉर्मेट में एक टेबल बनी हुई हमको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं हेडर रो। हेडर रो अगर मैं इस पे चेकबॉक्स नहीं लगा हुआ है तो हमारी जो डार्क वाली स्ट्रिप है वो फर्स्ट नंबर से ही काउंट हो जाएगी। अगर मैं इस चेकबॉक्स को टिक कर देता हूँ तो जो हमारी फर्स्ट रो है हमारा सॉफ्टवेयर उसको एज ए हेडिंग काउंट कर लेगा। उसकी स्ट्रिप है जो उसको वो लाइट कर देगा, यानी कि वाइट कर देगा, और उसके अंदर के अक्षर को बोल्ड कर देगा, यानी कि हेडर रो एक स्पेशल रो बन गई। ठीक है, इस टिक को हम हटा देंगे तो हेडर रो जो थी ऊपर की फर्स्ट रो जो थी वो नॉर्मल शेड में कन्वर्ट हो गई। इस ऑप्शन को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, टोटल रो जो होती है वो हमारी टोटल कहाँ लगाते हैं, हम पूरे जितने भी अंक होते हैं उनका टोटल हम लास्ट वाली रो में लगाते हैं। ये लास्ट वाली रो जो है वो डार्क कलर में आ रही है तो हम इसको लाइट कलर में या स्पेशल टोटल रो की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो ये लाइट ही है इसलिए कलर का कोई डिफरेंस नहीं आया, पर टोटल की जो स्पेशल लाइन होती है डबल लाइन, ठीक है, वो इसमें आ जाती है। और ये लास्ट वाली जो रो है उसके अक्षर जो है वो बोल्ड हो गए हैं और एक लाइन भी एक्स्ट्रा आ गई है, मतलब डबल लाइन हो गई है इनमें। ठीक है, तो इस तरह से हम टोटल रो, हेडर रो और बैंडेड रो इन ऑप्शंस को काम में लेते हैं। ठीक है, अभी मैं ऑप्शंस हटा देता हूँ यहाँ से, ये टिक मैं चेकबॉक्स हटा रहा हूँ यहाँ पे, तो अब आपको दिख रहा होगा टेबल हमारी वापस से नॉर्मल टेबल एकदम प्लेन टेबल में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब हम इस तरफ वाले ऑप्शंस को समझ लेते हैं। फर्स्ट कॉलम यानी कि अब ये कॉलम पे काम कर रहे हैं, हम पहले रो में काम कर रहे थे, कॉलम मतलब सीधी रेखाएं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले लास्ट वाले ऑप्शन पे टिक कर देते हैं कि ये बैंडेड कॉलम है। ये थर्ड नंबर का कॉलम जो है इसकी बीच की लाइन नहीं है इसलिए वो लास्ट तक थर्ड को ही काउंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बैंडेड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। पहले हमने बैंडेड रो में कन्वर्ट किया था, अब हमने बैंडेड कॉलम में कर लिया। ठीक है, अगर हम इन दोनों को साथ साथ टिक लगा देंगे तो बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम दोनों एक्टिव हो गए। ठीक है, अभी हम एक बार में एक ही चीज कर रहे हैं तो बैंडेड रो रखेंगे या फिर बैंडेड कॉलम रखेंगे। अभी हमने बैंडेड कॉलम कर दिया तो डार्क फिर लाइट फिर डार्क फिर लाइट इस तरह की सेल आ चुकी है। ठीक है, इस लाइन को हम खींच देते हैं तो आपको दिख जाएगा कि ये कॉलम प्रॉपर एक ही कलर का कॉलम है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बाकी के दो ऑप्शन कैसे काम करते हैं। फर्स्ट कॉलम पे अगर हम टिक लगा देंगे तो फर्स्ट जो है वो बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पहले हमारा रो जो थी उसके कंटेंट जो थे वो बोल्ड हो रहे थे, अभी फर्स्ट कॉलम के कंटेंट बोल्ड हो गए और जो उसकी स्ट्रिप थी वो भी अगले पे शिफ्ट हो गई, मतलब वो डार्क स्ट्रिप में नहीं आएगा और उसके अक्षर भी बोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा लास्ट कॉलम। अभी इसमें लास्ट कॉलम जो है वो डार्क स्ट्रिप पे आ रहा है। ठीक है, अगर हम इस ऑप्शन को लगा देंगे, अगर चेकबॉक्स को लगा दिया हमने, तो लास्ट जो कॉलम था उसमें सारे अक्षर जो है वो बोल्ड हो गए, जो स्ट्रिप थी वो भी डार्क से लाइट हो गई। ठीक है, इस तरह से ये स्टाइल ऑप्शंस हम काम में लेते हैं। अगली टैब आ रही है हमारी लेआउट टैब। सारी की सारी टेबल हम एडिटिंग जो करेंगे वो इसी में करेंगे। तो यहाँ आपका ये डिजाइनिंग टैब वाला ऑप्शन हमने सीख लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लेआउट ऑप्शन सीखेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताएं, और साथ ही अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन भी दबा दें।